चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सुभाष चंद्र का बोस का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस प्रशासन एक काम करो, काम करो। तिल्दा के समीप स्थित कुछ दिन पूर्व ग्राम सिनोधा में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया था। इस मामले में तिल्दा नेवरा शहर और ग्रामीण के कांग्रेस कार्यकर्ता महापुरुषों की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने और इसकी शिकायत का आवेदन पुलिस द्वारा नहीं किए जाने को लेकर थाने के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे चक्का जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। कांग्रेसियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे लोग शिकायत करने थाने आए थे तो उनका आवेदन पुलिस द्वारा नहीं लिया गया, जिससे नाराज कांग्रेसियों द्वारा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर बैठे रहे और तुरंत कार्यवाही की मांग किए। कांग्रेसी नेता बलदाव साहू और नीरज राठी ने दोषी पुलिस अधिकारी को तुरंत निलंबित किए जाने की मांग की तथा उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया तथा तहसीलदार सरिता मरडिया ने कांग्रेसियों के सामने पुलिस को दी हिदायत और कहा कि सभी का आवेदन बिना भेदभाव लिया करे और उस पर कार्यवाही किया करे। प्रदर्शन में महेश अग्रवाल, देवादास टंडन के साथ साथ शहर और ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। तिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। आज हम सभी कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, सुनोधा गांव में महात्मा गांधी की मूर्ति में काली पोती गई, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को खंडित किया गया, इसलिए हम सभी आवेदन और हिंदू की भावनाओं को और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। 28 तारीख से यहाँ थाना में आवेदन देने के लिए आ रहे थे, लेकिन आवेदन नहीं लिया जा रहा था। आज फिर हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जितने भी सदस्य गण हैं, सब आवेदन देने आए, तो एक जिम्मेदार अफसर नहीं होने के कारण आवेदन नहीं ले रहे थे। इसलिए हम सभी कांग्रेस के सभी सदस्य गुस्सा में आके हम यहाँ पर धरने में बैठ गए हम लोग, और हम ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिला है कि जो अधिकारी दोषी अधिकारी जो आवेदन नहीं लेके उनके ऊपर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। आज तिल्दा के ग्राम सिनोधा में दो दिन पहले की घटना है, जहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर काली पोती गई थी और पुनः उसमें कल ऐसी घटना हुई उसमें जिसके कारण यहां पर थाने में हेजिटेशन हुआ है और थाने में कोई जवाबदार अधिकारी नहीं होने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण कांग्रेसी लोग यहां पूरे थाने में आए और कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया और सहर्ष स्वीकार करके शासन ने उस पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है और संबंधित अधिकारी जो आवेदन नहीं लिया था उन पर कार्रवाई करने का हमको आश्वासन मिला है। 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई होगी और हम लोग जो यहाँ थाने में आए थे वो सारी हमारी बात मान ली गई है और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होगी, ये हमको कहा गया।